आईआईटी छोड़ सकेंगे पढ़ाई में कमजोर छात्र, दी जाएगी बीएससी की डिग्री। आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला किया है कि आईआईटी में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों को 3 वर्षों के बाद हटने का विकल्प दिया जाएगा, उन्हें बीएससी की डिग्री दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अगुवाई में आईआईटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया। देश के सभी आईआईटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अगले सत्र से 3 साल बाद बीएससी की डिग्री लेकर पढ़ाई बीच में छोड़ने का विकल्प मिलेगा। अलग अलग आईआईटी इसके लिए अपने तौर तरीके तय करेगी। छात्रों को उद्यमिता का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रावधान उन छात्रों के लिए किया जा रहा है जो कमज़ोर पड़ रहे हैं और या किन्हीं अन्य कारणों से 4 साल की पढ़ाई जो है वो पूरी करने से इच्छुक नहीं है। बीटेक कर रहे जो छात्र 3 साल में पढ़ाई छोड़ने का विकल्प चुनेंगे, उनके लिए बीएससी की नई डिग्री सृजित की जाएगी। काउंसिल आईआईटी की वैश्विक रैंकिंग को सुधारने के उपायों पर भी चर्चा की गई है। विदेशी छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई है। छात्रों की उद्यमिता का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईआईटी में छात्रों की उद्यमिता की भी ट्रेनिंग दी जाती है और उद्यमिता का एक अलग ऐच्छिक पेपर होगा जिस पर क्रेडिट दिए जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में आईआईटी के छात्रों में स्टार्टअप को लेकर बड़े रुझान चलते ये फैसला लिया गया है।